दुःखदोगं च त्व सम्मत्ते चिन्तामणि कप्पबम्बये पावन्त्यविघ्नं जीवाय रामरं तानम् यः सन्तो महायस भक्तभरनिबहेनाता देवोयि भवे भवेपासंनं चन्दम् ॐ श्रीमरं नमि मुनपाश नमः स्वाहा ॐ सिं नमिव न पासवि सर्वासजनपुलिङ्गं ॐ नम स्वाहा ॐ मरं नमिव नपासवि सर्वासजनपुलिङ्गं ॐ नमः स्वाह ॐ सिं मरं नमिव न पासवि स ॐ नमः स्वाहा ॐ मर्हं नमिव न पासवि स हवसजनपुलिङ्गं ॐ नमः स्वाहा ओम रीम श्री मरम नमी नपाश विषहर वसजन पुलिंग ओम नम ओम रीम श्री मरम नमी नपाश विषहर वसजन पुलिंग ओम नम स्वाहा आइए सभी रोगनाशक सभी व्याधि नाशक घंटाकण मंत्र का जाप्य करते हैं इस घंटाकण मंत्र के अंदर अद्भुत अलौकिक शक्तियां हैं इस मंत्र को साइंटिफिक के अनुसार जब जाप्य करते हैं तो नाभि कंपायमान होती है तो नाभि से सारे अक्षर जो है घंटा के नाभि से स्पूरित होती है और नाभि के अंदर मनुष्य का जनन है नाभि से ही जीवन है और नाभि जो है मनुष्य का केंद्र और सेंटर है नाभि चाहे गिड्डा हो या लंबा हो चौड़ा या मोटा हो मनुष्य का जो सेंटर है जैसे पूरा विश्व का सेंटर पूरा संसार का सेंटर जम्बूद्वीप का जो सुमेर पर्वत है वो सेंटर होता है इसी प्रकार मनुष्य का अगर सेंटर कोई वस्तु है तो नाभि है हर आदमी जो है नाभि से ही जन्म लेता है आपका जो माँ के पेट में जो ग्रोथ होता है वह नाभि के माध्यम से होता है और आपका जो निर्माण हुआ है मनुष्य का निर्माण नाभि से होता है और जब जनन लेते हो बाहर आते हो तो माँ का और आपका संबंध नाभि से जुड़ा हुआ रहता है और आने के बाद आपका नली जो है नाभि की नली काटी जाती है संबंध तोड़ दिया जाता है और वह काटने के बाद हवा हमेशा आप भूल जाते नाभि भी हमारा कोई वस्तु है अगर एक एग्जाम्पल आपको देता हूं अभी ठंडी के दिवाली के बाद ठंडी के महीना शुरू हो जाएगा जिनके भी ओट पड़ते हैं ओठों में जो है क्रैक आने लग जाते हैं और चर्मी के अंदर गर्मी होने के कारण और ओठ फटना रक्त बहना आदि क्रियाएं जिनके बॉडी में होती है वे लोग जरूर देखिए तुरंत तत्क्षण जो है नाभि के अंदर थोड़ा सा खोबरे का तेल लगा लीजिए देखिए तुरंत जो है मुंह के अंदर जो ओठ है फटना बंद हो जाएगा शरीर के अंदर तेज रखना है शरीर के अंदर चमक रखना है शरीर के अंदर स्फूर्ति रखना है तो नाभि को बोरू जरूर ध्यान रखिए जब भी नहाए थोड़ा सा ना सिर के जब भी तेल लगाते हो थोड़ा तो नाभि में भी तेल लगाना इससे तरह तरह अपन शरीर के अंदर चर्मी रोग नाश होना गर्मी कम होना ये होता है आप लोग सिर में तेल लगाते हो पर नाभि में तेल लगाए करिए नाभी में तेल लगाने से आपकी जो खुश्कीपना है शरीर के अंदर जो चरम रोग है वे नाश को प्राप्त होता है तो इसी प्रकार आपका नाभी अगर मंत्र के साथ कंपायमान होता है तो आपकी तमाम प्रकार की जो शरीर की विकृतियां है शरीर के अंदर जो बदलाव है शरीर के अंदर अर्गंस है उसके अंदर एक्यूप्रेशर और कंपन होता है और मंत्रों के माध्यम से स्वस्थ शरीर हो जाता है और एक बात बताऊं आप सभी को आपके जीवन के अंदर घंटाकण मंत्र का नित्य प्रति अगर जाप करिए तो तमाम प्रकार के भूत बाधा प्रेत बाधा के साथ जो चोर है या दुकानों से घरों से नौकरी करने वाले वर्कर जो है पलायन को प्राप्त होते हैं और उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्या के कारण नौकर टिक नहीं पाते हैं और तमाम प्रकार के लड़ाइया झगड़ा घरों में होता है वे लोग जो है मैं दो महीने का आपको टाइम दिया है आप लोग नित्य प्रति घंटा कण का मंत्र और सुबह शांति धारा का मंत्र का ये करें दूसरे तुम तो आइए घंटा तो कण मंत्र जापे करके आप सभी की नाना प्रकार की समस्या दूर करते हैं और कुछ बातें हैं आज रक्षाबंधन त्योहार है घर घर के अंदर मिठाइयाँ घर गर घर के अंदर राखी बांधी है आप सभी ने बहने से बंधवाई है माता बहने बांधी है बड़े हर्ष का दिन है खुशी का दिन है त्योहार जो है एक पारिवारिक खुशी का त्योहार ना होते हुए खुश खुशी का दिन न होते हुए एक विशेष तौर पर एक संकल्पना दिन होना चाहिए जो तमाम प्रकार के धार्मिक और परिवार की रक्षा का एक संकल्पना एक विचार जो है आपके जीवन में होना चाहिए इसके बारे में बाद में बात करता हूँ आइए तो घंटी बजाते हुए घंटा नाद करते हुए ताल थाली बजाते हुए घंटा का जाप करें ओम घंटा कर्ण महावीर सर्व व्याधि विनाश कह विस्फोटक व्यय प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यथिखिथ चर पंतवे रोगा तत्र राजभयम नास्ती अंत कर्णे जपाशयम

यततां तिष्ठते लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र तत्रापणिषन्ति वापोद्भवान् तत राजभयम् नास्ति यान्ते कर्णे च पाशयम् शाकनीभूतवेताला राक्षसा प्रवन्तिना नाकाले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयम् नास्ति ॐ म्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं म्रीं स्तुति ॐ न रविरठट ओ घंटा कर्ण महावीर रक्ष रक्ष महाबल योगा त्रपणीषंती वात्कोद्भव तथाजय नास्ती कर्णे चाश्रय शाकनी राक्षस राक्षसा शा प्रवंतिना काले मृणंत न सर्पेण दश्यंते अग्नेचोर्वयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुतिम् ॐ न रवीर ॐ स्वाहाँ घण्टाकर्ण महावीर सर्वव्याधिविनाशकः स्फोटकः भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तां तिष्ठते लिखितो चरपन्तवी रोगा तत्र वा वाम् ततराजभयं नास्ति यान्ति करणे जपाशयं शाकनी भूतवेताला राक्षस प्रबन्तिनां नाकाले मरणं तस्य न च सर्पेन दश्यन्ते अग्निचोरभयं नास्ति ओम रीमसीम क्लेमप्लोम रीम घंटाक नमो स्तुते ओम नरवीर ठटस्वहं ओम घंटाकरणा महावीर सर्व व्याधि विनाशक

अग्निचोल भयम नास्ती ओम रीम श्रीम क्लीम ब्लूम रीम घंटा कर्णमो ओम न रवि रठट स्वाम ओम घंटा कर्ण महावीर सर्व दिवनाशक स्फोट का भय प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यथतम ठते देव लिखि चर पंतवी रोगा तत्रीशंति वात्त कपोद्भव तथा राजभयम नास्ती अंत कर्णे जपाशयम శానీభూత వేతాక్షవంతి నాకా సర్పేణ దశ అగ్నిచోర్భయం నాస్తి ఓం స్తుతి ఓం నరవీర స్వాం శ్రీం ఓంఘాకర్ణ మహావీర సర్వ్యాధి వినాశ विस्फोटक प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यतताम तिष्ठते देव लिखितो चरपंतवि रोगा तत्र पनीषन्ते वात्पिक कपोद्भव तथा राजभयम् नास्ति उत्तवितालाराक्षस्य प्रवन्तिनाम् ना काले मृणम तस् न चर्पेण दस्यग्निम नास्ती ओम श्री क्लिम घंटा ओम स्वाहा आइए घंटा कर्ण मंत्र के जाप्य करते समय और पूरी एकाग्रता से करिए और अभी जो है पांच बार हम घंटा कर्ण मंत्र का और जाप्य करा रहे तो आप जहाँ यहाँ पहली बार यहाँ जो है शरीर की जो सिर की दरिद्रता दु, है, है। शरीर के अंदर जो वेदना है सिर के अंदर जो अनेक प्रकार की शक्ति कम होना है और बार बार जो है सिर दर्द होना है एसिडिटी होना है वह नाश हो कंठ और अधे की दरिद्रता और अनेक प्रकार की रोग की विकृति है वो समाप्त हो पेट के अंदर जो अनेक प्रकार के रोग है बीमारियां वो समाप्त हो और अपने पैरों के अंदर सभी रोग नाश हो ऐसे पंच जगह जो है सभी प्रकार के रोगों का नाश हो इस हेतु से अभी शुरू करते हैं ओम घंटा कर्ण महावीर सर्व विनाश विनाशक स्फोट भयम प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यतताम षते दिविखिता पंत रोगा तनीषंतीकपोदाजय कर्णे च पास शाग्नीभूत वेताल राक्षस प्रवंति न काले मरण तशा न चर्पेण दश्यंते अग्नीचोभ नीति ओं ह्रीं श्री क्ली ब्लू ह्रीं घंटा कर्णमुस्ते ओं न रविरटटट स्वाहा ओम घंटा कर्णो महावीर सर्व व्याधि विनाशक स्फोटक वयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महावल यततम तिष्ठते देव लिखितो चरपंतवे रोगा तत्र पणिशंते वातपित कपोद्भवा तताराज भयं नास्ति आंति करणेच पास्यम शाकनी भूत वेताला राक्षस प्रबन्तिना न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्नेचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लूं ह्रीं सुते ॐ नरवीरठ स्वाहा ॐ सर्व महावीरा सर्वव्याधिविनास्क विस्फोटका भयं प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबुलं यत तां तिष्ठते लिखितो चरपन्तवि रोगा तत्र अपणिषन्ते वात्कपोद्भवम् तत राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाकनीभूतवेताला राक्षसप्रवन्तिनः नाकाले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयम् नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं स्तुते ॐ न रविरट ॐ घण्टाकर्ण महावीर सर्वव्याधिविनाशकः इस पोटक अवयम प्राप्ति रक्ष रक्ष्य महाबल यत्रतां तिष्ठते देवा लिखितो चरपंतवि रोगा तत्र पणि शंते वात् पित कपोद्भवा तत राजभयम शाक्नी भूत वेताला राक्षस प्रमंतिना नाकाले मरणं तस्य न च सर्पेन दर्शन्ते अग्नि चोरभयम नास्ति ओम रीम सिम क्लेम रीम घंटा कण्णमो ओम नरवीर ठट स्वाम ओम घंटा महावीर सर्व्याधि विनाशक विस्फोट वयम प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यथम ठते देव लिखि चर रोगा तत्र प्रणीशंति वात्त कपोद्भव तत राजस्ती कर्णे च पाशय शाकनी भूतवेताला राक्षस प्रवंतिना न काले मरण तस्वर्पेण दश्य अग्निचोर भयम् नास्ती ओम श्री क्ली क्लोम घंटा ओम नरवीर रविट स्वाहा आइए अब जो है आप सभी को जहाँ भी दर्द होता है जहां भी वेदनाएं होती है वहाँ जो है ऐसे हाथ लेकर के घंटा कर्ण मंत्र का तीन बार बोल करके वहां अगर यहाँ दर्द तो ऐसे ही और श्वासोश्वास सौस लेते हुए और कंटिन्यू जो है घंटा कर्ण मंत्र का जाप भी करिए आज रक्षाबंधन के त्योहार पर आपको विशेष एक प्रयोग बता रहा हूं और कंटिन्यू जो है दस मिनट वहाँ रखे और यहाँ के नवग्रह तीर्थ को याद करें और यहाँ की शक्ति को याद करें और धीरे धीरे दस मिनट के बाद जो है अंदर जो है एक साथ रखने से वहाँ जो है एक गर्म होता जाएगा और जैसा जैसा हाथ का ये हथलिया गर्म होता जाएगा और वैसे वैसे आपके अंदर की बीमारियां खुद से खुद जो है कम होती जाएगी अगर सिर में दर्द हो रहा है तो आंखें बंद कर लीजिए और श्वासोसवास धीरे 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 श्वासोस लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए और श्वासोश्वास धीरे धीरे लेना और धीरे धीरे छोड़ना उसके साथ मन के अंदर उच्चारण न करते हुए घंटा कण मंत्र को जाप करिए केवल केवल दस मिनट के अंदर आपका बिना गोली लिए आपका दर्द गायब हो जाए यह आप सभी को रक्षाबंधन का विशेष आशीर्वाद और इसके अलावा अब अपने जीव जीवन के अंदर जरूर प्रतिज्ञा कर लेना कि हम प्राण क्यों न चलाया जाए पर जिन धर्म जिन शासन को नहीं छोड़ना है ध्यान रखिए पहले जमाने में पंडित वर्ग को हाथी के पैरों के तले कुचलाया गया और तो भी उन्होंने अपने प्राण गवा दिए हाथी के पैर के तले अपने जीवन को दाव लगा दिया परंतु वह अन्यत्र शरण को नहीं गए 700 मुनि तो विष्णु ना विष्णु कुमार मुनि के टाइम पर रक्षण हुआ ही हुआ उसके बाद कई बार ऐसे प्रसंग हुए भारत के अंदर अभी भी तमिलनाडु के अंदर वहां शिलालेख देखिए साधुओं को घाने में पेला गया घाने में उनको जो है उनका जीवन की नाश कराया एक नहीं दो नहीं लाखों जो है श्रावकों को एक साथ तीन लाख श्रावकों को एक साथ सूली पर चढ़ाया गया और सूलिकार तो तक गले में फांसी लगा के नहीं मारा गुदा के अंदर से जो है भाला निकाल करके सिर के ऊपर निकाल दिया और साधु को जो है वो तेल निकालते पत्थर है तो उसके बीच में डाल करके और जो है उनको घानी के अंदर जैसा तेल निकालते हैं वैसे तेल निकाल निकाल करके उनके जीवन को जो है पूरा जो है घुमा घुमा करके उनके जीवन को नाश कर दिया इसके अलावा अभी भी हाईवेरे के पास में एक साथ 300 जो है खोपड़ी निकली और अपना इतिहास बताता एक साथ साधु को जो है मर्डर करा दिया गया था ऐसे हजारों किस्से जो है हमारे इतिहास में घटित हुए हैं और अभी भी आए दिन हो रहे अपने को पता नहीं पड़ता है और पता भी पड़े तो हम लोग आवाज नहीं उठाते क्योंकि हमारा समाज छोटे हमें क्या करना है हमारा कौन देगा ध्यान रखिए कौन साथ देगा न देगा वो विचार बाद की बात है आवाज उठाना हमारा धर्म है कर्तव्य है कितना लोग सुनते न सुनते हैं उससे कोई दे, कोई विचार नहीं करना ध्यान रखिए मैं उपास में जब काम कुमार महाराज का उपास में बैठना बैठनाने लगा कम से कम कर्नाटक के और अन्य जितने लीडर थे सबके फोन आए आप ये कदम नहीं उठाइए ये गलत हो जाएगा आप अकेले पड़ जाएंगे और आपके साथ कोई नहीं रहेगा मैंने अकेला बहुत काफी हुआ मैं अपने आप में अकेला काफी हूं और मैं जो बोल दिया वो करके दिखाता हूं और अनेकों मंत्री संतरियों के बहुत फोन आए आप मत करो और मैंने किया और पूरा गवर्नमेंट हिला और अनेकों कार्य सिद्ध हुए और अभी भी हो रहे बहुत सारे कार्य हो रहे कंटिन्यू रन में है ये एक ही मेरे नहीं किया ये तो काम कुमार आपको आपके सभी राज्य के लोग आप पाए तो इसलिए पता पड़ा ऐसे कई बार हुआ पिछले 2007 में गवर्नमेंट ने अंडा बांटना शुरू कर दिया मैंने उस पर क्वेश्चन खड़ा कर दिया और मुख्यमंत्री मेरे कार्यक्रम में आने वाले थे मैंने मना कर दिया मुख्यमंत्री मेरे पास तक भी आना जब आप अंडे का जो कुमार स्वामी थे अंडे को जो वितरण कर रहे स्कूलों में वो बंद कर दो उसके बाद मेरे स्टेज में आना तो नहीं आना तो ऐसे ही हुआ उन्होंने बंद करके तीन महीने के बाद मेरे पास मिलने आए उस टाइम उपरा उपराष्ट्रपति थे प्रधान अपने लाल कृष्ण अडवाणी से आए थे इसी प्रकार जगदीश शेट्टर मुख्यमंत्री थे कर्नाटक में और एक दिन निर्णय ले लिया कि जितने भी विद्यार्थी अल्पसंख्यात जैन समाज के उनको अनुदान न दिया जाए उनको कॉलरशिप नहीं दिया जाए जब ये घोषणा मुझे पेपरों से पता पड़ा मैंने तुरंत जो है सारे समाज को बुला करके मीटिंग किया और कहा अगर कल तक यह आदेश गवर्नमेंट का अगर पीछे नहीं हटता है तो मैं जाकर के विधानसभा के सामने बैठ जाऊंगा हिम्मत है तो मेरे को उठा के दिखा लेना बोले मुख्यमंत्री से चैलेंज किया और तुरंत जो है केवल 24 घंटे के अंदर उन्हें आदेश रिटर्न कर लिया ऐसे कई घटनाएं हैं एक बार मंदिरों को कब्जा करने की हाईकोर्ट का आदेश हुआ उस समय भी मैंने आवाज उठाई तो ये नहीं देखना है कि हम अकेले हैं या दुकेले हैं या कोई साथ देगा या न देगा हमारी परमात्मा के अंदर वह आस्था और विश्वास जरूर रखिए निश्चित रूपेण न कार्य सिद्ध होंगे ऐसे स्वीकार होगा कि न रक्षा इस इसलिए मैं बता रहा हूं रक्षा बिंदन के त्योहार पर आपको यही संदेशा दे रहा हूं अगर आपकी पता पड़ जाए आजूबू जो लड़की जो है कहीं पथभ्रष्ट हो रही है कहीं भागने की तैयारी है तो उसको कन्वेस करिए उनको माइंड वॉश करिए और अपने अनुभव अपने जीवन की सारी तमाम कथाएं बताइए कभी भी भूल करके उनके जाने के लिए सहायता मत करिए कई ऐसे महिलाए हैं खुद तो भागती नहीं है पर दूसरों को भगाने में बहुत प्रयत्न करती है खुद तो लव करती नहीं दूसरों को लव करने में सपोर्ट करती है कई तमाम प्रकार की महिलाएं देश के अंदर देखा गया कभी भी जो है महिलाएं अकेले कभी भी ऐसे दुष्कार्य नहीं करती है पर दूसरे के सपोर्ट से दूसरों के सहायता से ही कार्य सिद्ध होते हैं अभी मैं देखता हूं हॉस्टलों में अकेले कभी भी वो डर जाती है पर दूसरे में लड़कियां उसको सपोर्ट कर करके फिर उसको उसकाती और वो रास्ता भटका देती तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कभी भी ऐसा कार्य ना करिए अगर कोई ऐसा कार्य करता है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा जो जिन धर्म के पतन करवा करके अन्यत्र में जो करते उससे बड़ा पाप और उससे बड़ा कोई अपराध नहीं तो इसलिए जो है इस रक्षा बंधन पर आप रक्षा सूत्र के साथ जिन धर्म के साथ बंधिए जिन शासन के साथ बंधिए साधो संतों के साथ बंधिए और ध्यान रखना कभी भी एक संतों के साथ ना जाइए सभी संत हमारे नमोलोवे सव सवनम जैसे जाप करते हैं सभी साधु मेरे है सव सवनम केवल एक ही साधु का जाप करोगे एक ही साधु के या मेरे अकेले नाम पर जाप करोगे तो गलत है क्योंकि ये तो हम तो पोस्ट है हम कोई व्यक्तित्व तो नहीं है जिन धर्म ये जिना भेष जो है ये जिन धर्म का प्रतीक है जिन शासन का प्रतीक है महावीर का प्रतीक है इसमें जो भी दिखते हैं उससे नतमस्तक होना ये के धर्मात्माओं का कार्य है तो आपके बिना धर्म नहीं बच सकता जरूर सही। और आज आप लोगों ने जरूर आहार दान दिया होगा मैं विश्वास रखता हूँ अगर किसी ने नहीं दिया तो कल भी तिथि जो है पूर्णिमा का तिथि कल आहार दान जरूर कहीं अपने साधु आसो पास में जो भी हो वो आहार दान